मेरा दिल ये था कि सबसे मेरा पहले भी दिल ये था कि आपके लिए Q&A वीडियो बनाऊं। आज देखें काम करते हुए, ये देखें 1 2 3 4 और इसी तरह 5 6 7। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, क्या चला है? उम्मीद आप सब ठीक होंगे। मैं अभी अल्लाह के फजल करम से फिर फाट हूँ माशाल्लाह जी। सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग माशाल्लाह जी। रोज़ हफ्ता है और अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई इस वक्त मेंबर आज़ाद कश्मीर में मौजूद है, यानी अपने भाई घर में भाई इलाके में मौजूद कश्मीर। सीन ये है कि भाई आगे 3 छुट्टियाँ, सोमवार मंगल बुध और हफ्ता इतवार, तो वैसे यूनिवर्सिटी में छुट्टियाँ होती हैं। तो मैंने सोचा चलें भाई 5 दिन हॉस्टल में गुजारने के बजाय घर गुजार लें, ताकि हमारा टाइम भी अच्छे से पास हो जाए और बंदा थोड़ा रिलैक्स भी हो जाता है। और सिस्टर ने भी जाना है आगे, तो उसको भी थोड़ा सा टाइम मिल जाए। अच्छा, जो सीन ये है कि भाई बात आपको बताना भूल गया हूँ कि सीन ये है कि 5 दिन में तो घर मौजूद हूँ, ठीक है, तो मंगल तक आई थिंक 4 दिन बनते हैं। तो इंशाल्लाह मेरा दिल ये था कि सबसे मेरा पहले भी दिल ये था कि आपके लिए Q&A वीडियो बनाऊँ। तो सीन ये है कि असल में थोड़े से इशू की वजह से कमेंट पता नहीं आप थे या क्या थे, पीछे पुरानी वीडियोज़ में ना कुछ कमेंट शो नहीं हो रहे थे, और वाम करती थी, ऑडियंस करती थी, लेकिन मुझे शो नहीं होते थे। तो सीन ये है कि फिर जाहिर सी बात है कमेंट्स वगैरह नहीं होते होंगे, तो मुझे कैसे पता लगा? उनके होते थे लेकिन मुझे नज़र नहीं आते थे, ठीक है, तो मुझे बड़ा इशू था। लेकिन इसको मैंने सॉल्व आउट किया, सॉल्व आउट करने के बाद माशाल्लाह जी अभी जो कमेंट होते हैं वो नज़र आते हैं। तो सीन ये है कि चार दिन बाद इंशाल्लाह मंगल को दिन अगर देखा जाए, तो कोई भी अगर मेरे रिलेटेड यूट्यूब के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर पूछना चाहता है यूनिवर्सिटीज़ के रिलेटेड या पर्सनल लाइफ, चलो पर्सनल लाइफ एक हद तक लिमिट हो सकती है उसकी, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दें। इंशाल्लाह मेरा जो दिल है कि रोज़ मंगल मैं आपको आपके लिए Q&A वीडियो ले आऊँ, ताकि देखा जाए अगर कोई भी इश्यूज हैं वीडियोस के रिलेटेड हैं या जो भी हैं, बाल अच्छे नहीं लग रहे जो या जो जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। अच्छा, चलते हैं सर, नाश्ता वगैरह करते हैं। नाश्ता करने से पहले चलते हैं भाई, बुर्श वगैरह तो लाया नहीं है, तो नीचे से देसी गार्डन से हम मुस्वाक उतारते हैं, उतार के फिर इंशाल्लाह दांत वगैरह साफ करते हैं, उसके बाद नाश्ता करते हैं। तो नाश्ते के बाद सीन करते हैं क्या सीन। अच्छा, ये बताएं कि बाल वगैरह अच्छे लगते भी हैं ये नहीं है? वैसे मैं जिद करके बढ़ाई जा रहा हूँ, कमेंट में लाजमी बताइएगा। माशाल्लाह जी, नाश्ता करने से पहले मसवाक उतार लेते हैं। नहीं, आई थिंक वो मेरे पुराने मसवाक है, लेकिन छोड़े नहीं उतार लेते हैं। माशाल्लाह जी, तकरीबन हर जगह हर तरह से माशाल्लाह जी इस वक्त ना हरा भरा, सुबहान अल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये माशाल्लाह अमरूद भी लग रहे हैं, अरे अमरूद भी लग रहे हैं, पता नहीं हमारे नसीब में होंगे ये नहीं, ये पीछे से खाए जाएंगे माशाल्लाह सुबहानअल्लाह। तो इसके साथ भी यानी काफ़ी कितने गए हैं भाई, ये लगे हुए हैं। फ़िलहाल अपना काम करते हैं, इसको आपको बाद में एक लेदर टूर दे दूँ, क्या कहते हैं? ये अभी साथ ही थोड़ा सा हल्का फुल्का दे देते हैं तो माशाल्लाह। अच्छा, एक चीज़ आपको दिखानी थी, वो खजूर का क्या बना है, ठीक है यार। मसवाक किधर से उतारे हैं, मसवाक किधर से उतारे हैं, अच्छा इसको बाद में उतारते हैं, फिलहाल पहले ना आराम से अपना गार्डन देखें यार, आपको वो ठंडक दे दें। वो आई थिंक एक जुमला है, लफ्ज़ जुमला है ना, पता नहीं हकीकत है या जो भी है, ये सब्ज़ा देखने से भाई आँखें तेज़ होती हैं, ठीक है। तो माशाल्लाह इस वक्त फुल चौबन में है हमारा गार्डन माशाल्लाह। फ्रूट शूट तो कोई नहीं लगा हुआ, सिर्फ माल्टे आई थिंक लगे हुए हैं, तो उसके अलावा तो कुछ नहीं लगा माशाल्लाह। माल्टे भी ना ये देखें हल्के हल्के सही हो रहे हैं, ये नीचे भी गिर रहे हैं। खाने वाला भाई मैं था, घर भी खाते हैं लेकिन कम ही खाते हैं, लेकिन मैं सही रगड़ता था, कोई नहीं। वो अच्छा, तो खजूरों का सीन ये है कि खजूरें उतारी जा चुकी हैं, हमारे सेब में नहीं हैं। चलें इंशाल्लाह, इस साल दिया तो नेक्स्ट साल उससे ज़्यादा देंगे, नेक्स्ट साल उससे ज़्यादा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के तकरीबन 3 या 4 साल बाद ने खजूर ने
फल दिया था, क्योंकि ये मस्जिद से लाई थी हमने। मस्जिद की जब तमीर न हुई तो फिर हमने उधर से उठा के ना। लेकिन अगर ये मस्जिद के सैन में लगी रहती बड़ी खूबसूरत लगती, बहुत ही खूबसूरत। तो माशाल्लाह जो माल्टी हैं और लीमू आई थिंक दो तीन लगे हुए हैं। ये अमरूद शुक्र आप कोई लगे हैं भाई, इसे देख कुछ तो हौसला हुआ है, कुछ तो लगा है। तो और उसके अलावा ये खजूर तो वैसे ही इस पर तो लगते ही नहीं, ये मादा है। तो ये आम है, ये माल्टे वगैरह नीचे पड़े हैं, कोई नहीं मैं आ गया तीन चार दिन, कुछ ना कुछ इसका बंदोबस्त करेंगे। तो माशाल्लाह जी अगेन आफ्टर काफ़ी सालों के बाद हमारा जो देसी अमरूद है अंदर से रेड, उसके साथ भी अमरूद ये लग चुके हैं, ये देखें ठीक है। चलते हैं अभी, नाश्ता वगैरह रेडी हो रहा है, तो दांत वगैरह हुआ धो लेते हैं और फिर इंशाल्लाह नाश्ता करते हैं। माशाल्लाह जी भाई नाश्ता वगैरह तो कर लिया है, तो अब इस वक्त तकरीबन पौने बारह बज रहे हैं। तो हमारे जो एक काम लग गया, असल में सर्दियों में सीन ये होता है कि ज़ाहिर सी बात लोग अपने गार्जियन के पास ज़मीन माशाल्लाह अवेलेबल है तो हम वगैरह लगाते हैं ठीक है। उसके लिए सिस्टम ये है कि हम इसकी जनाब आज खुदाई करेंगे, इसके भी एक दो तीन चार पाँचवा वो और छठा ये है, तो छः क्यारे इंशाल्लाह आज ख़त्म करते हैं निज़ाम ठीक है। ये तो एक ऑलरेडी पहले हुआ हुआ है, तो इसके बाद ये करेंगे फिर ये अभी इस वक्त तकरीबन धूप ही है भाई, तो हम इधर से स्टार्ट करेंगे, मच्छर भी काफ़ी होगा तो करते हैं अल्लाह का नाम लेके शुरू और इंशाल्लाह घंटे में ये सारा निज़ाम ख़त्म करते हैं। माशाल्लाह जी दोपहर की नमाज़ पहले माशाल्लाह काम वगैरह मुकम्मल कर लिया, सुभान अल्लाह माशाल्लाह, दो दो चार दो छः है, गर्मी भी काफ़ी थी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये काम वगैरह तो हो गया। इंशाल्लाह फिर घर वाले पीछे से लगाते रहेंगे थोम वगैरह, लेकिन मच्छर काफ़ी था, अगर देखा जाए या अगर नज़र आए, नहीं नज़र नहीं आएगा, अच्छा मच्छर वगैरह काफ़ी था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के फजल कदम से काम गहरा हो गया। अच्छा तो हालात देखें काम करते हुए, ये देखें एक दो तीन चार और इसी तरह पाँच छः सात, हाथ भी चिड़ियाँ वगैरह बन गई है। तो फिलहाल चलते हैं, अभी तकरीबन जोहर होने वाली है, शावर वगैरह लेके जोहर की नमाज़ पढ़ते हैं, फिर इंशाल्लाह देखते हैं मेहमान वगैरह भी आए हैं उनके बाद बैठेंगे गपशप लगाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह देखते हैं असर के बाद क्या प्लान है। माशाल्लाह जी सुभान अल्लाह आ गए, आपको क्या बोला था कि असर के बाद कोई प्लान नहीं होता, क्या हो सकता है ठीक है। तो इस वक्त आए थे मेहमान वगैरह उनके साथ पार्क आए, उनको बच्चों को इन्जॉय करवाने और साथ में मेहमान अपने कज़न के साथ हैं, इस वक्त पार्क में बैठे हैं, अभी ये झूला लिया, अभी कश्ती ले रहे हैं, तो देखो क्या बनता है। फिलहाल हम बैठ के देखेंगे, इनकी वीडियो वगैरह बना देंगे, इस तरफ से क्या प्लान होता है और रब की तरफ से क्या प्लान होता है, और ये करना पड़ता होता है, यही है जो मुकद्दर में होता है। लेकिन ये है कि देखते हैं मैं थोड़ी देर इनके साथ उनको घर पे से ड्रॉप करके, फिर इंशाल्लाह ना थोड़ा निकलूँगा यार तो गार्डन की तरफ और ग्राउंड चलेंगे, देखेंगे क्या स्टेडियम चलेंगे। फिलहाल ये चलने वाला है, तो इनकी वीडियो क्लिप्स वगैरह बना लेते हैं इनके, फिर इनको बाद में प्रोवाइड कर देंगे। माशाल्लाह जी रोज़ गार्डन पहुँच गए हैं ऑन द स्पॉट, तो यार इसका नज़ारा इधर के मज़े खामोशी क्या ज़बरदस्त चीज़ है यार, ये वही चीज़ है जो मैं इस्लामाबाद मिस करता हूँ। तो एक और चीज़ भी है यार, अपना शहर तो अपना होता है यार, हर चीज़ की मिस करते हैं। तो माशाल्लाह इधर से ओवरव्यू ले लें एक दफ़ा, तो माशाल्लाह जी इस वक्त तकरीबन छः बज चुके हैं, पाँच बज चुके हैं, तो अभी निकलते हैं या आगे गपशप लगाते हैं दोस्तों के साथ, तो देखते हैं ग्राउंड में क्या सीन है, एक और भी काम है उधर भी जाना है इंशाल्लाह, तो निकलते हैं फिर थोड़ी देर बैठेंगे और फिर इंशाल्लाह निकलते हैं। हाँ जी सुभान अल्लाह जी ग्राउंड आ गए हैं, मैं तो हूँ जूम करके ले आना एम दे हेलमेट ना पहनने का भाई नुकसान देखा है। ओए ओए तेरे को तूने साथ छड़े आने हैं हम दे, हेलो ओए तूने साथ छड़े आने
वाह जी वाह जी।